नमस्कार, कमोडिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में कमोडिटी से जुड़े हुए स्पेशल टिप्स हम आपको आज देंगे और आज के खास मेहमान का परिचय करा देते हैं जिनसे हम करेंगे शो के दौरान बातचीत। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ हैं। भाविक जी, बहुत स्वागत है आपका। और बातचीत की शुरुआत तो डेफिनेटली फेड की बैठक से ही करनी पड़ेगी क्योंकि देर रात ब्याज दरों पर फेड का फैसला आएगा और जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है जानकारों के मुताबिक 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का अनुमान जो एक्सपर्ट्स हैं और बाजार भी कर रहे हैं। अब इस फैसले के बाद जो गोल्ड मार्केट है उस पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही उससे पहले सोने में क्या ट्रेड लेना चाहिए, इस पर खास चर्चा करना बेहद जरूरी है। भाविक जी, आपको क्या लग रहा है फिलहाल फेड की बैठक से पहले क्या गोल्ड में कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है क्योंकि सोने चांदी में कुछ हल्की तेजी हम फिलहाल देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग स्वाति। यस, जैसे आपने बताया कि मार्केट लास्ट वीक अगर देखें तो 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्योंकि वीक यूएस के इकोनॉमिक डेटा आए और यूरोप ने भी एक बार और रेट कट किया है तो अभी मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट आएंगे। तो ज़्यादातर तो आई थिंक गोल्ड में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, बट अगर आज के दिन अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आते हैं तो मुझे लग रहा है कल एक नया जरूर से हाई बन सकता है, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आज के दिन अगर देखें तो मॉर्निंग सेशन के बाद इवनिंग सेशन में रिकवरी देखने को मिल रही है जब यूएस मार्केट ओपन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन बाय साइड ही रहना चाहिए। बट ध्यान रखिए कि ओवरनाइट कैरी मत कीजिएगा क्योंकि कल गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है क्योंकि अपने मार्केट के क्लोज होने के बाद रेट कट का डिसीजन आने वाला है। बट आज के दिन अराउंड 73,100 पे मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं सोना 73,400 के टारगेट के लिए, और इंटरेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा 72,900 का। तो इवनिंग में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ओके, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखने की सलाह गोल्ड पर आ रही है। 73,100 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह आपके लिए है गोल्ड पर। ये स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं फेड के फैसले से पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसका जरूर रखिए ध्यान। चांदी पर इस वक्त आपकी क्या राय रहेगी, क्या सिल्वर में भी कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, इंपॉर्टेंट रेंज आपकी नजर में? चांदी आई थिंक गोल्ड के कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा अंडर परफॉर्म लग रहा है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखें तो 90 से वापस 83-84 आ चुका है कि जहां पे पहले भी हमने देखा है कि वहां से थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। मुझे लग रहा है कि चांदी से ज़्यादा बेहतर गोल्ड रहेगा। बट अगर आज के दिन किसी को चांदी के भी ट्रेड करना है तो गोल्ड जैसे बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा है 31 एक बेहद ज़रूरी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चांदी टिक नहीं पा रही है। और अगर MCX में देखें तो आई थिंक 90,500 एक स्ट्रिक्ट हर्डल बन रहा है। तो आज के दिन कहीं भी अगर डिप मिलती है अराउंड 88,800 तो 89,300 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 88,350 का। आई थिंक 90,000 के ऊपर चांदी जाती है MCX में तो हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो 90,000 के पार जाती है चांदी तो अच्छा खासा मोमेंटम जरूर दिखेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी सिल्वर पर अपनाने की सलाह आ रही है भाविक जी की तरफ से। गोल्ड सिल्वर के बाद जरा कच्चे तेल पर एक नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर क्या खास चल रहा है। गिरावट तो यहाँ बढ़ती ही जा रही है। ब्रेंट $73 के नीचे आ गया है, देखिए लाल निशान में कारोबार करता हुआ। घरेलू बाजार में भी दाम हम देख रहे हैं 5,900 के आसपास ही झूल रहे हैं। इस फिलहाल कच्चे तेल पर आपकी क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह रहेगी, इन लेवल्स पर क्या किया जाए? आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी लग रहा है कि कच्चे तेल में कोई पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है। जो हमने दो दिन में थोड़ा रिकवरी देखी थी वो हरिकन फ्रांसिन की वजह से, जो यूएस के लिए 15% ऑफ जो प्रोडक्शन था वो ऑफलाइन हो गए थे, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि एक से दो दिन में वापस ऑनलाइन हो जाएंगे। डिमांड के अभी भी कंसर्न्स हैं। एशियन रिफाइनरीज अगर देखें तो वो 2020 के लो पे चल रहा है, तो दैट मीन्स कि आगे जाके डिमांड भी नहीं है। और जो WTI के हम आगे कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख रहे हैं सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड में कोई ज़्यादा तेज़ी आ सकती है अनलेस एंड अनटिल हिज़्बुल्लाह और इसराइल के बीच में जो तनाव है वो थोड़ा बढ़े तो शायद बढ़ सकता है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि अभी डॉलर की वीकनेस और फेड के रेट कट की वजह से ही शायद थोड़ी डिमांड आ सकती है, उसी के चलते हुए क्रूड में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। बट आई थिंक जब तक 6,100 के ऊपर नहीं जाता तब तक मेरी रणनीति रहेगी कि सेल ऑन राइस की रखना चाहिए। आज के दिन अराउंड 5,960 पे अगर एक पर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 6,000 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 5,800 का।
ओके, तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी क्रूड पर रखने की सलाह आ रही है। 6100 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको आप जरूर क्रूड में ध्यान पर रखिएगा। ये आ रही है स्ट्रेटजी कच्चे तेल पर भाविक जी की तरफ से। बेस मेटल्स पर एक नजर भी दौड़ा लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल दायरे का कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है बेस मेटल्स में। भाविक जी, आपकी जो पसंदीदा पिक क्या रहेगी, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड या जिंक, क्या पसंद आ रहा है इसमें से आपको? आई थिंक फेवरेबल मुझे जिंक लग रही है, क्योंकि जिंक हमने देखा कि सारे बेस मेटल में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है। और चाइना से भी खबर आ रही है कि क्योंकि जिंक के प्राइसेस नीचे थे तो वहाँ के जो स्मेल्टर्स हैं वो लोग वॉलेंटरली भी प्रोडक्शन कट करने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आगे जाके जो सप्लाई है वो थोड़ा कम हो सकता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर हमने पहले भी देखा है कि 814 820 के करीब अगर आता है तो वहाँ से एक बार सेल ऑफ दिख रहा है। और अभी के लिए फिलहाल दिख रहा है तो अगर चाइना का डेटा देखे तो काफ़ी वीक थे ये नंबर्स, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि 820 के ऊपर अगर कॉपर सस्टेन कर रहा है तो ये तेज़ी देखने को मिल सकती है। या तो अभी फिलहाल मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि चाइना के वहाँ से कुछ स्टिमुलस आए तो शायद बेस मेटल्स में तेज़ी हो सकती है। तो कॉपर आई थिंक 820 के ऊपर जाता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा, बट इंट्राडे जिंक मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, तो जिंक में अराउंड 265 बाय कर सकते हैं 271 के टारगेट के लिए, और 263 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो जिंक पसंद आ रहा है मेटल स्पेस से भाविक जी को। अगर खरीदारी करनी है तो इस स्पेस में आप खरीदारी कर सकते हैं 271 तक के टारगेट के लिए। यहां पर आप बना सकते हैं स्ट्रेटजी। तो आज हमने कमोडिटी पर चर्चा की और कहां पर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। भाविक जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका हम करते हैं धन्यवाद। और साथ ही अब आपके लिए है बेहद ही एक्सक्लूसिव।